नमस्कार राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विमर्श में आपका स्वागत है मैं हूं समीना फैज साहब का कहना रहा कि ये दाग दाग उजाला ये ये गजीदा सहर सहर वो वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं फैज साहब के एक ऐसे नहीं हजारों शेर जो इंसानी दर्द और जज्बात के तर्जमान है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उन्हें कदर की निगाह से देखा जाता है यही वजह है कि हिंदुस्तान में भी उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और इस सिलसिले के तहत विमर्श में आज हम फैज अहमद फैज की जिंदगी और शायरी पर बात करेंगे फैज फैज, अहमद 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में जन्मे अंग्रेजी उर्दू फारसी और अरबी भाषा में उन्हें महारत हासिल रही अमृतसर के कॉलेज से शुरू हुआ सफर कॉलेज ऑफ लाहौर तक पहुंचा वो सेना में भी रहे और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने जंग में अमली शिरकत भी की फैज़ ने हिंदी उर्दू फारसी पंजाबी भाषाओं में रचना की नक्शी दस्त सबा दस्ते नामा जैसी कई रचनाएं नाकबिल फरामोश है, ना है। फैज की जिंदगी दुखों और यातनाओं का एक लंबा सफर है जान शोरीदा काफी नहीं तो मत इश्क पोशीदा काफी नहीं आज बाजार में पापा जोला चलो आग, आज बाजार आग, में, में पापा जोला चलो पापा जोला चलो दस्त अफशा चलो मस्तुर चलो खाक बरसर चलो बदामा चलो खाक बरसर चलो बदामा चलो राह तकता है सब शहरे जाना चलो वो पाकिस्तान चले गए थे पर देश के विभाजन का दर्द उन्हें सालता रहा और 20 नवंबर उन्नीस को लाहौर में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा लेकिन फैज साहब एक उम्मीद एक रोशनी बनकर हम सब के दिलों में हमेशा रहेंगे बोल आजाद है तेरे बोल जुबा अब तक तेरी है तेरा सुतमा जिस्म है तेरा बोल कि जा अब तक तेरी है देख के अंगर की दुकान में है दहाने फैला हरिक जंजीर का दामन बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिसमें जुबान की मौत से पहले बोल तो सच जिंदा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कह ले इस प्रोग्राम में हमने उन लोगों को जोड़ने की कोशिश की है जो फैज साहब को करीब से जानते थे चाहते थे समझते थे हमारे साथ हैं फैज़ अहमद फैज की बेटी मुनीजा हाशमी जो पाकिस्तान से आई हैं भारत और फैज साहब के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें शिरकत करें खुश आमदीद मुनीजा जी आपका विमर्श कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मुरली मनोहर प्रसाद सिंह जी आप संपादक हैं नया पथ के और साथ ही साथ आप महासचिव हैं जनवादी लिखक संघ के हमारे साथ हैं अली जावेद साहब आप महासचिव हैं प्रगतिशील लेखक संघ के और फैज साहब को बहुत पढ़ते हैं और बहुत कहते भी हैं उनके लिए खुश अली जावेद साहब और हमारे साथ हैं विद्या शाह जो बहुत मशहूर गायिका हैं और फैज साहब की जो लेखनी रही है जो ग़ज़लें रही हैं उसको आपने शुरू में बहुत खूबसूरती से पिरोया है मैं आप सबको खुश कहती हूँ सबसे पहले मुनीजा जी आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि फैज़ साहब हमारे लिए तो एक शायर रहे लेकिन आपके लिए एक वालद और बहुत ही मोहब्बत करने वाले वालद कैसे याद करना चाहेंगे आज इस मौके पर उन्हें ये साल आपने जिस तरह कहा उनकी सौ साल जश्न का एक हिस्सा है और तकरीबन इख्ताम तक तो पहुँच रहा है मुझे इस साल में अगर बहुत ज़्यादा एक मुश्किल बात लगी तो वो ये लगी कि मुझे ऐसी बहुत सी यादों को टटोलना पड़ा जो मैंने कहीं बंद कर ली थी और उसकी वजह से आ, मुझे कुछ मज़ा भी आया लेकिन तकलीफ़ भी हुई जाहिर और एक ऐसी याद ये है जो कि लोगों ने बहुत उसको कोट किया है कि जब मैं आठ साल की थी तो उस वक्त वो जेल में थे और मुझसे पूछा गया या उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या सालग्रह का तोहफ़ा चाहिए मैंने जाहिर है क्या कहा होगा गुड़िया <laughs> और साल की बच्ची क्या कहेगी तो हम पहुंचे हैदराबाद जेल में गुड़िया कहाँ से <laughs> तो उन्होंने कहा ये लो एक नजम ले लो <laughs> अरे तो मुझे याद है कि मैंने उठा के फेंकी थी तो इसको मैं क्या करूँ मेरी गुड़िया अब मैं कभी कभी सोचती हूँ वो नजम तो जिंदा है वो गुड़िया पता नहीं बचती ना बचती इतने सालों में और वो बस कुछ यूँ मुझे अब सारी तो याद नहीं और ऐसी उन्होंने आठ साल की उम्र में मेरी ऐसी यानी किरदार कशी की कि आज भी मैं समझती हूँ कि मेरे ख्याल में उसको पहचान गए थे मैं किस किस्म की खातून बनूँगी या क्या होंगे तो उस पर शुरू यूँ होती है कि मुनीज़ा हमारी बेटी है जो बहुत ही प्यारी बेटी है उम्र देखो तो आठ साल की है तो साठ साल की क्या है। बात है तो ये जब मैं साठ साल की तो मैंने उसको दोबारा पढ़ा <laughs> बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही यकीनन अगर मुली मनोहर प्रसाद सिंह जी आपसे जो हम जानना चाहेंगे वो ये कि अगर देखा जाए तो फैज साहब जो हैं वो साहित्य को साहित्य तक सीमित नहीं रखते हैं वो उसको जिंदगी के साथ जोड़ देते हैं क्या ये एक बहुत बड़ी वजह मानी जा सकती है कि उनकी शायरी हर खास वाम में बेहद मकबूल है देखिए नक्से फरियादी की जितनी भी गजलें और नज़में हैं उसमें तो जाति ज़िंदगी के प्यार और मोहब्बत की कुछ रच, रचनाएं हैं लेकिन जब रसीद जहां के से वो मिले और रसीद जहां ने उनको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ने को दिया और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद उन्होंने महसूस किया और रसीद जहां ने उनसे कहा, कहा भी कि कहाँ जाति ज़िंदगी के मसलों में फंसे हुए हो जरा तो पूरी दुनिया के पूरे अवाम के दुख दर्द को देखो तो फिर उसके बाद जाति जिंदगी और पूरे अवाम के दुख दर्द दोनों को मिलाना शुरू किया और जब मिलाना शुरू किया तभी ढूंढ में राशि दे तो यह कहा कि ये रुमानियत तो और हकीकत के जंक्सन पर खड़ा हो ये शायर है और उसके बाद वो जंक्सन पर ही खड़े नहीं रहे बल्कि आवाम की तरफ़ झुकते चले गए क्योंकि ट्रेड यूनियन आंदोलन तमाम मज़दूर आंदोलन और डाक तार मजदूरों के आंदोलन और देश की जिंदगी सब को बहुत गहराई से देखने ताकने लगे और उनका ऑब्जर्वेशन बहुत विलक्षण था और देखिए उनकी ज़िंदगी पर उनकी शख्सियत पर उनकी शख्सियत अपने आप में इपिक है महाकाव्यात्मक है और उनकी शख्सियत पर उनकी एक किताब हमने एडिट की है फैज की शख्सियत अंधेरे में सुर्ख लॉ लौ। लौ। अभी अभी राजकमल प्रकाशन से ये किताब आई है और इसमें फैज की शख्सियत पर लिखने वाले तमाम लोग फैज के निजी डॉक्टर फैज के साथ जेल में रहने वाले फौज के बहुत बड़े आला अफसर और फैज की ज़िंदगी के करीब से जानने वाले सज्जाद जहीर साहब उन सब लोगों के रेमनीसेंसेज इसमें हैं तो फैज की शख्सियत को अगर टटोलना हो और समझना हो और आईने के सामने रखकर देखना हो तो उसमें खाली फैज अकेले आपको दिखाई नहीं देंगे बहुत से लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं अगर आ, अली जावेद साहब उनके फारसी कलाम की बात करें अगर आ, लोग कहते हैं कि फैज साहब ने जो फारसी में लिखा वो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है जो फारसी नहीं जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने लिखा जो नहीं जानते फारसी वो भी लोगों को क्लिक करता है तो क्या वजह आपको नजर आती है कि उनका जो कलाम जो बहुत मुश्किल है लेकिन वो आम आदमी उससे अपने आप को अचानक जोड़ लेता है दरअसल देखिए सिर्फ फैज ही की बात नहीं है गालिब के बारे में भी यही है अल्लामा अकबाल के बारे में भी यही है और मैं इन दो शायरों का नाम इसलिए भी ले रहा हूँ कि मेरी समझ ये है कि वो रवायत जो गालिब ने क़ायम की थी जो अल्लामा इकबाल तक पहुँची और अल्लामा इकबाल से आगे बढ़कर फैज तक पहुँची और फैज जो है उस रवायत के सबसे नुमाइंदा शायर बीसवीं सदी के हैं तो इन तमाम शरा के यहाँ वही फ़ारसी आमेज शायरी आपको देखने के लिए मिलेगी लेकिन उस फारसी आमेज़ शायरी में वो आम लोगों को इस तरह से मुतासर करती है कि वो मुश्किल अल्फाज उनके तहत रह नहीं जाते हैं जब गालिब यह कहता है कि कदो गेसु में कैसो को हुकन की आजमाइश है जहाँ हम हैं वहाँ दारो रसन की आजमाइश है उसी ट्रेडिशन को जो है अकबाल आगे बढ़ाते हैं और इतनी ज्यादा इतने फारसी के अल्फाज हैं लेकिन कहीं मुश्किल का एहसास नहीं होता है वही फैज के यहाँ भी है और फैज़ के हाँ तो सिर्फ जो है फारसी ही नहीं बल्कि अरबी के जिस तरह की वो ट्रेडिशन जो है और बहुत ही मुश्किल ट्रेडिशन लेकिन तमाम से से बिल्कुल फैज साहब जो आम आदमी की बात करते हैं इसीलिए शायद आम आदमी उनसे जुड़ जाते हैं विद्या शाह हैं बहुत खूबसूरती से आपने उनके कलाम को अपने सुरों में पिरोया है अगर फैज़ अहमद फैज़ की ही बात करें और उनके उस कलाम की बात करें उन्होंने मोहब्बत पर भी बहुत खूबसूरत लिखा है तहरीक से जुड़ी हुई जो उनकी शायरी रही है वो भी उन्होंने बहुत शानदार तरीके से एज ए गायिका आप उनका कौन सा कलाम सबसे ज़्यादा गाना पसंद करती है ये वैसे बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि ये तो ऐसे हो गया कि आपके चार बच्चे हैं आपका कौन सा बच्चा फेवरेट <laughs> कुछ इस तरह की बात हो गई है आ, लेकिन थोड़ा सा जो पहले बात हो रही थी उससे जोड़ना चाहूँगी मेरी ख़ुद की जो एक जर्नी रही है फैज़ साहब के कलाम के साथ वो वाकई जोग्राफ़िकली भी बहुत दूर से रही है क्योंकि मैं जो है एक दक्षिण भारतीय परिवार में जन्मी हूँ हालांकि दिल्ली में रही हूँ इसलिए हिंदी हिंदुस्तानी उर्दू वगैरह से एक्सपोजर तो रहा है लेकिन आ, किसी भी प्रकार की शायरी को गाना उसको समझ के गाना वो अपने में एक एक अलग एक एक प्रोजेक्ट है तो ये बात ज़रूर कहूँगी लेकिन कि फैज साहब के कलाम को जिस तरह से लोगों ने गाया है उसमें एक एक एंडमेंट है वो खींचता है आपको अपनी ओर उस कलाम में खूबसूरती है उसमें एक वर्सटाइलिटी है अलग अलग लोगों ने अलग अलग किस्म की थीम्स जिसको फैज साहब ने बखूबी लिखा है निभाया है अपनी पोइट्री में उसको इतनी खूबसूरती से पेश किया है उसके कितने अलग अंदाज है, कितने अलग कलर्स हैं, और एज ए सिंगर आई थिंक मुझे वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है उनके उनके काम के प्रति तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है और उनकी जो अलग किस्म की पोइट्री है उसको गाने की कोशिश की है और सुनाइए हम लोगों को इसको ऑक्यूपेशनल कहते हैं <laughs> नहीं अच्छा है राज्यसभा टीवी के जो हमारी तमाम ऑडियंस है उनको भी इसका लुत्फ आएगा प्लीज सुनाइए <laughs> पहले मैं आपको एक चीज सुनाना चाहूंगी उम्मीद करती हूँ कि फिर से भी गाऊंगी इस प्रोग्राम के दौरान इसलिए <laughs> एक क्योंकि भाषा और जुबान की बात हो रही थी अभी तो वैसा आपका एक, एक बहुत खूबसूरत चीज है जिसको वो कहते हैं नज़र खुसरो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रिब्यूट टू अमीर खुसरो और इसमें जो लैंगवेज का जो उन्होंने यूज़ किया है उसमें एकदम एक सूफियाना अंदाज है और उसमें एक सादगी है और एक दुआ आ, आ, उस उस तरीके से उन्होंने कही है बात तो कुछ बिल्कुल नहीं

बेहद असीम बेहद खूबसूरत माशाल्लाह। अब अगर इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, फैज साहब की अगर हम जब पूरी ज़िंदगी देखते हैं तो उन्होंने देश निकाला भी सहा बहुत दर्द सहे उन्होंने और लेकिन सच का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा उन्होंने कहीं लिखा है जो मैं यहाँ कोट जरूर करना चाहूँगी जिस पर आप सबकी राय भी मैं चाहूंगी कि आशिकी की तरह जेल खाना भी एक बुनियादी तजुर्बा है जिसमें फिक्र नजर का एक आधा दरीचा खुद खुल जाता है बाहरी जगत की दूरी और वक्त ज़ाया हो जाते हैं पास की चीज भी बहुत दूर की हो जाती है और दूर की बहुत करीब बहुत बड़ा फलसफा पे है जी जी आप सबकी राय मुनीजा जी आपसे शुरू करें <laughs> अभी <coughs> विद्या ने भी इस तरफ इशारा किया और मैं यही इसी बात को आगे लेकर चलूंगी कि सुफियाना बात की जो बात हो रही थी मैं समझती हूँ कि इस तरह की खुद कला में या इस तरह से अपने आप को बताना समझाना कि बाहर की ज़िंदगी बाहर है अंदर अंदर है और इस दोनों का कोई हम इसको मिटा नहीं सकते जब तक वक्त नहीं आएगा तो ये शायद वही शख्स कर सकता है जिसके अंदर इतना सबर कमादा हो और इतना, इतना, इतना समझौता अपने आप से और बाहर की दुनिया से करने का का हुनर हो ये एक हुनर होता है और अबा के ये कमाल भी होता था उन्होंने मुझे ख़त में भी लिखा था जब कभी कभी हम भी ज़ाहिर पाकिस्तान में रह के वही उतार चढ़ाव आते रहते थे और मैं चूँकि सरकारी नौकरी में थी मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में कई साल गुजारे तो जाहिर बहुत सी नज़र अनायत हम पे भी हुआ करती थी खसूस तौर पर इस वजह से कि हम फैस की औलाद हैं और फिर मिलट्री डिक्टेटरशिप्स वगैरह में तो वो मुझे उस खत में उन्होंने लिखा था कि तुम जब भी ऐसा माहौल पाया करो ऐसे मुश्किल में पेश आ जाए करो तो तुम हमारी तरह स्विच ऑफ कर लिया करो और फिर देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी सहल और कितनी आसान हो जाएगी और फिर आगे जाके लिखते हैं कि मैं जब बैरूत में हूँ और मैन बसीसू बहुत मशहूर शायर जो वहाँ पे हैं वो मुझे कभी कभी पूछते हैं कि बाहर बम पड़ रहे हैं और तुम किसान कान लपेट के सो जाते हो तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि जब इंसान और ये उस बात को आगे बढ़ाता है कि जब इंसान इरादा कर ले और पक्का इरादा कर ले और यकीन से कर ले तो फिर हर चीज़ आसान हो जाती है और मेरे ख़्याल में अगर मैंने इस वक्त भी आ, कुछ सीखा है या कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ फैज़ को अब जानने की पहचानने की पढ़ने की कोशिश अब शुरू कर रही हूँ तो मेरे ख्याल में उसमें यही है ये ईमान है और ये अकीदा है कि अगर खुद कोई फैसला कर लो तो फिर कोई हटा के दिखा दे कोई नीचा दिखा के दिखा दे मैंने इसी वजह से वो जो आपने बात की ना कि झुका नहीं सच का दामन नहीं छोड़ा वो एक अंदर की जो उनके अंदर एक अजीब सी स्ट्रेंथ थी और वो जितने मुलायम थे आपको अंदाज़ा नहीं उस बात का जितने वो नरम जब बैठे हैं लोग जानते हैं कम गो खामोश मुलायम तबीयत हसास और फिर जब वो कहते हैं उठेगा नल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो और, और राज करेगी के खुदा जो मैं भी हूँ तुम भी हो तो ये कुछ अजीब सी कॉन्ट्रोडिक्शन तो नहीं कह सकते लेकिन ये एक शख्स जो अंदर खामोश है मेरी दादी कहा करती थी फैस को दूध दे दो तो दे दो बैठा रहता है रोता भी नहीं <laughs> है तो <आजीव> सी कुछ बिल्कुल <laughs> और सब की राय हम इस मसले पर जरूर लेंगे ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में आप रहिए विमर्श के साथ अकालिब पर हमारा खास प्रोग्राम देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी पर